बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किचन व्लॉग्स में तो मैं नूरी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज मैंने आपके लिए बनाया है बहुत ही मज़े का चिकन चीज़ रैप, जो कि थोड़ी सी चीज़ों से लेकिन बहुत ही मज़े का बनेगा। तो आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले आपने ले लेना है एक अदर चिकन ब्रश, उसको आपने हैमर से या किसी भी चीज़ से दोनों तरफ से टैप करना है। मेरे पास ये था तो मैंने इसको इस तरीके से दोनों तरफ से किया। तो आपने किसी और चीज़ से भी इसको जो थोड़ी सी वजनी हो तो दोनों तरफ से आप इसको इस तरीके से थोड़ा सा फैलाएं। फिर तो आपने अदरक लहसुन का हाफ टी स्पून जो पेस्ट है वो दोनों तरफ लगा देना है। उसके बाद आपने हल्दी मंचा जो है इसके ऊपर छिड़क देनी है, काली मिर्च, नमक। तो ये दोनों तरफ हो जाए तो फिर आपने इसके ऊपर हाफ ऑफ टी स्पून डाल देना है सिरके का। इसके साथ आपने डालना है सॉस उसका। और फिर आपने लेना है मोज़रेला चीज़। मैंने उसके तकरीबन ये थे दो स्लाइसेस, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चीज़ के स्लाइसेस जो है आपने इस तरीके से उसको फैलाने, उसके बाद आपने इन्हें इस तरीके से फोल्ड करने। फिर ये कॉर्नफ्लोर है, इसके अंदर मैंने इसको सबसे पहले जो फैलाया था उसके बाद अंडे में डिप किया। फिर ये ब्रेड क्रम्स जो थे इसको पड़ गए। उसके बाद आपने जो इसको कर लेना है शैलो फ्राई दोनों तरफ से, तो दरमियानी आँच रखनी है ताकि ये चिकन जो है वो गल जाए। दरमियानी से आपने इसको लो फ्लेम पे ले जाना है। तो 10 से 15 मिनट आपने इसको बिल्कुल लाइट आँच पे रखना है। तो ये आपका बहुत ही मज़े का चिकन चीज़ रैप जो है वो तैयार है। इसको आपने हस्बैंड मंचा जो है वो टुकड़ों में बांट लेना है। फिलहाल हम इसको देखते हैं कि ये कैसा है। तो यहाँ पे यमी साइज का चीज़ देखते हैं। इसके बाद मैंने इसको बना लिया था पीसीस की सूरत में। तो आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है या ऐसे खाना है या इस तरीके से किसी भी चीज़ से आप इसको सजा लें। और शाम की चाय के साथ आपने इसको करना है खूब सा इंजॉय। उसके साथ साथ आपने मेरे चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी बहुत ही अच्छी सी रेसिपी या किसी मज़े के ब्लॉग के साथ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना रखें बहुत सा ख्याल। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।